Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are here to discuss the question answers of our chapter number 8, that is the hat driver. And it is a chapter from our supplementary book. So let's start with the very first question. Why is the lawyer sent to New Millions and what does he first think about the place? अब लॉयर जो कि नरेटर भी है हमारी स्टोरी का, उसे न्यू मिलियन नाम की एक जगह पर क्यों भेजा जाता है एंड उसकी पहली राय उस जगह के बारे में क्या है? सो आंसर इज दैट द लॉयर इज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लिटकिंस हु इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ विटनेस इन अ लॉ केस. अब जो लॉयर है उसको न्यू मिलियंस इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वहाँ पर जाकर उसे एक पर्सन जिसका नाम ऑलिवर लिटकिंस है उसे समन्स देने होते हैं जो कि उनके लिए उनके एक केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटनेस है. अब जो उसकी राय है, पहली राय उस जगह के बारे में, न्यू मिलियन नाम की जगह के बारे में, तो वो सोचता है कि द प्लेस मस्ट बी अ वेरी पीसफुल नेचुरल एंड सिंपल कंट्री विलेज. अब जो नरेटर है वो सिटी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था और जब उसको बोला जाता है कि उसे सिटी से दूर एक विलेज में समन्स सर्व करने जाने हैं ऑलिवर लिटकिंस को, तो वो उसके दिमाग में आता है कि अच्छा ही होगा क्योंकि ये सिटी लाइफ तो बहुत बेकार है. वो उससे ऊब चुका था, फैडअप हो चुका था और वो सोचता है कि ये जो न्यू मिलियन नाम का विलेज है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, नेचुरल एंड बहुत ही सिंपल सा एक विलेज होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर हु बिफ्रेंड्स लॉयर एंड वेयर डज ही टेक हिम. अब जब न्यू मिलियन नाम की जगह पर लॉयर जाता है तो उसकी दोस्ती वहाँ पर किससे होती है एंड वेयर डज ही टेक हिम और उसको वो कहाँ पर लेकर जाता है. सो अ हैक ड्राइवर नेम्ड बिल मैग्नसन बिफ्रेंड्स हिम एट द स्टेशन. ही टेल्स द लॉयर दैट ही नोज लिटकिंस एंड वुड हेल्प हिम इन फाइंडिंग हिम. अब जैसे ही लॉयर जो है स्टेशन पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी दोस्ती एक हैक ड्राइवर जिसका नाम बिल मैग्नसन बताया गया है यहाँ पर, उसके साथ होती है. अब जैसे कि लॉयर उसको बताता है कि उसको ऑलिवर लिटकिंस को समन सर्व करने हैं, तो आगे से जो बिल मैग्नसन है हैक ड्राइवर, वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लिटकिंस को ढूंढने में. सो नेक्स्ट पार्ट इज वेयर डज ही टेक हिम. अब उसको कहाँ कहाँ लेकर जाता है, दैट मीन्स लिटकिंस को ढूंढने के लिए न्यू मिलियन में वो लॉयर को किस किस जगह पर लेकर जाता है. सो बिल टेक्स हिम टू ऑल द प्लेसेस वेयर लिटकिंस यूज्ड टू हैंग आउट. हैंग आउट मीन्स स्पेंड लेजर टाइम, जहाँ पे कोई पर्सन अपना फ्री टाइम बिताता है. हैंग आउट करना मतलब फ्री टाइम स्पेंड करना. सो बिल उसको हर उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर लिटकिंस अपना टाइम स्पेंड किया करता था, जहाँ जहाँ वो जाया करता था. सो ही टेक्स द लॉयर टू फ्रिट्स शॉप, टू गुस्ताफ्स शॉप, टू ग्रेस शॉप, टू द पूल रूम एंड सेवरल अदर प्लेसेस. तो इस तरह से जो बिल मैग्नसन है वो लॉयर को फ्रिट्स की शॉप पर पहले लेके जाता है, फिर गुस्ताफ की और फिर ग्रे की शॉप पर. अब जो गुस्ताफ और ग्रे ये दोनों बार्बर्स हैं और जो फ्रिट्स के शॉप पर लेके जाता है वहाँ पर लिटकिंस जो है पोकर गेम खेला करता था. एंड उसके बाद फिर उसे वो पूल रूम लेकर जाता है एंड बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर भी लिटकिंस को ढूंढा जा सकता था. एंड फाइनली ही टेक्स हिम टू लिटकिंस मदर्स फार्म. और फाइनली दैट मीन्स एट द लास्ट ही टेक्स हिम टू लिटकिंस मदर्स फार्म. लिटकिंस की मदर के फार्म हाउस लेकर जाता है उसे. बट हाउएवर ऑलिवर लिटकिंस वॉज नॉट फाउंड. बट फिर भी वो ऑलिवर लिटकिंस को नहीं ढूंढ पाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज बिल से अबाउट लिटकिंस. बिल क्या कहता है लिटकिंस के बारे में, दैट मीन्स जो हैक ड्राइवर है बिल मैग्नसन, वो लॉयर को क्या बताता है, क्या क्या चीज़ें बताता है लिटकिंस के बारे में. सो ही सेज बिल टेल्स द लॉयर दैट लिटकिंस इज अ हार्ड पर्सन टू कैच एज ही वॉज ऑलवेज बिजी इन सम एक्टिविटी और दी अदर. अब वो बताता है नरेटर को कि बिल जो है जो लिटकिंस है वो बहुत ही मुश्किल है उसको पकड़ना क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहता है. He has owed money to many people, including Bill, and has never paid anybody a cent. अब ये भी बताता है साथ में कि वो बहुत सारे लोगों से उधार करता है और साइड बाय साइड उसे बिल से भी उधार किया हुआ है जो कि एक हैक ड्राइवर है और किसी को भी वो एक पैसा तक नहीं देता है. सेंट मीन्स एक करेंसी है जो कि बहुत लो वैल्यू की है.
तो वो कहता है कि किसी को एक सेंट तक भी नहीं देता और उधार कर लेता है सबके साथ. सो ही ऑल्सो टेल्स दैट लिटकिंस प्लेज अ लॉट ऑफ पॉकर एंड इज गुड एट डिसीविंग पीपल. अब और क्या बता रहा है वो लिटकिंस के बारे में, वो बता रहा है कि लिटकिंस जो है वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है एंड ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, और वो लोगों को धोखा देने में बहुत ही एक्सपर्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वट मोर डज बिल से अबाउट लिटकिंस एंड हिज फैमिली. अब ये सारी चीज़ें तो उसने लिटकिंस के बारे में बताई लॉयर को, अब और क्या चीज़ें बताता है लिटकिंस और उसके फैमिली के बारे में. सो बिल टेल्स द लॉयर दैट ही नोज द मदर ऑफ लिटकिंस. अब लिटकिंस के बारे में हमने पढ़ लिया, आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. अब उसकी फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर. तो बिल टेल्स द लॉयर दैट ही नोज द मदर ऑफ लिटकिंस, वो कह रहा है कि मैं उसकी मदर को भी जानता हूँ. ही टेल्स हर दैट शी इज़ वेरी टॉल एंड बल्की, वो बहुत ही ज़्यादा मोटी और बहुत लंबी है. ही डिस्क्राइब्स हर एज अ टेरर, अब वो उसकी जो फिजिक जो डिस्क्राइब कर रहा है वो उसको साइड बाय साइड ये भी कह रहा है कि वो बहुत ही टेरर है. ही इज़ शी इज़ लाइक अ टेरर, दैट मीन्स बहुत ही डेंजरस है उसकी जो नेचर है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. सो ही नरेट्स एन इंसिडेंट व्हेन ही टुक अ ट्रंक टू हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक हिज स्किन ऑफ बिकॉज ही डिनट ट्रीट इट एज अ बॉक्स ऑफ एग्स. अब उसको एक इंसिडेंट बताता है कि क्या हुआ. एक बार बिल कह रहा है कि मैं एक बार उसके घर में, उसकी मदर के घर में एक ट्रंक लेकर गया था एंड शी ऑलमोस्ट टुक हिज स्किन ऑफ, और जो उसकी मदर उसके साथ इतना एंग्री हुई कि उसकी चमड़ी ही उधेड़ लेती, मतलब उसके इतना ज़्यादा उसके साथ वो गुस्सा करके बोल रही थी. वो क्यों बोल रही थी, क्यों इतना गुस्सा कर रही थी उसको, बिकॉज ही डिड नॉट ट्रीट इट एज अ बॉक्स ऑफ एग्स. बॉक्स ऑफ एग्स क्या होता है, जैसे कि एग्स जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उनको बहुत ही आराम से ट्रीट करना पड़ता है, कहीं रखना है तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रखना पड़ता है. तो सेम वे वो कह रहा है कि क्योंकि उसने उसके ट्रंक को बहुत ही डेलिकेट चीज़ की तरह ट्रीट नहीं किया था, एग्स के बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया था, इसलिए उसकी मदर उसके साथ इतना ज़्यादा एंग्री हो गई थी, इतना नाराज़ हो गई थी कि मानो उसको मार मार कर उसकी चमड़ी ही उधेड़ लेती, दैट मीन्स उसकी स्किन ही उतार लेती. So he says that Litkins must have heard that somebody is chasing him and consequently would have gone into hiding at his mother's place. अब बिल उसको साथ में ये भी कहता है, लिटकिंस को डेफिनेटली पता चल गया होगा कि उसको कोई ढूंढ रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, chasing means follow करना, तो इसीलिए वो consequently means as a result, और इसीलिए वो जाकर अपनी मदर के घर में छिप गया होगा. So next question is that Does the narrator serve the summons that day? अब क्या उस दिन narrator summons serve कर देता है, क्या वो Oliver Lutkins को अपने summons जो वो लेकर जाता है उसे deliver करने के लिए क्या वो दे पाता है? No, the narrator didn't serve the summons that day as he was not able to find Lutkins. और हमने कि जैसे कि chapter पढ़ा ही है तो हमें पता है कि वो Lutkins को ढूंढ ही नहीं पाया था पहले दिन, तो उसको summons कैसे serve करता. So इसलिए he was not able to serve summons on that particular day. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज लिटकिंस. अब लिटकिंस एक्चुअल में है कौन. द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ इज लिटकिंस बट प्रिटेंड्स टू बी बिल मैग्नसन. अब जो हैक ड्राइवर है जो स्टेशन पर मिलता है नरेटर को, वो खुद ही लिटकिंस है बट वो प्रिटेंड क्या करता है, प्रिटेंड मीन्स झूठा दिखावा करना, और अपने आप को शो क्या करता है कि उसका नाम बिल मैग्नसन है, बट जो एक्चुअल में वो खुद ही लिटकिंस है. He tricks the lawyer to avoid the summons to be a witness in a case. अब वो अपने आप को बिल क्यों बताता है, अपना नाम बिल मैग्नसन क्यों बताता है एडवोकेट लॉयर को, क्योंकि वो कह रहा है कि बिकॉज ही ट्रिक्स द लॉयर टू अवॉइड द समन्स, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लॉयर ने कुछ समन्स सर्व करने हैं, समन्स देने हैं ओलिवर लिटकिंस को, तो इसीलिए वो उसके साथ ट्रिक प्ले करता है और वो समन्स को अवॉइड करना चाहता है. ही डिडंट वॉन्ट टू बी अ विटनेस इन अ केस, तो वो किसी भी केस में विटनेस नहीं बनना चाहता, दैट्स वाई वो इन समन्स को अवॉइड करने के लिए लॉयर को ट्रिक करता है और अपना नाम बिल मैग्नसन बताता है, एक्चुअल नाम ना बताकर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन द लॉयर रीच न्यू मिलियन डिड बिल नो दैट ही वॉज लुकिंग फॉर लिटकिंस. व्हेन डू यू थिंक बिल केम अप विद हिज प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर. अब जब लॉयर न्यू मिलियन नाम के स्टेशन, न्यू मिलियन जो विलेज है उसके स्टेशन पर पहुंचता है, तो क्या उस टाइम बिल को पता होता है कि लिटकिंस के लिए कि वो जो लॉयर है वो लिटकिंस को ढूंढ रहा है.
और व्हेन डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि बिल ने कब ये प्लान बनाया होगा लॉयर को बेवकूफ़ बनाने का, उसको फूल बनाने का? सो आंसर इज देयर नो, बिल डिंट नो इनिशियली दैट द लॉयर वॉज लुकिंग फॉर हिम। नहीं, बिल को एक्चुअल में स्टार्टिंग में नहीं पता था, इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में नहीं पता था कि लॉयर जो है लटकिंस को ढूंढ रहा है। ही मस्ट हैव मेड हिज प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर वेन द लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वॉज लुकिंग फॉर लिटकिंस, एज ही न्यू दैट ही वॉज रिक्वायर्ड एज अ विटनेस फॉर अ केस, बट ही डिंट वॉन्ट टू गिव हिज टेस्टिमनी। सो ही मस्ट हैव मेड हिज प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर वेन द लॉयर टोल्ड हिम। अब जब लॉयर ने, अब डेफिनेटली उसने उस टाइम पे वो प्लान बनाया होगा लॉयर को फूल बनाने का, उसको बेवकूफ़ बनाने का, जब लॉयर ने उसे बताया कि उसको लुटकिंस, वो लुटकिंस को ढूंढ रहा है। अब जैसे वो जानबूझकर कहता है कि मुझे लगता है आपने उससे पैसे उधार लेने होंगे, बट एक्चुअली क्या था, वो बहुत सारी लेटर्स जो है पहले ही अवॉइड कर चुका था ऑलिवर लिटकिंस की। उसे पता था कि ही इज़ नीडिड एज अ विटनेस फॉर अ केस, कि एक विटनेस के तौर पर उसे एक केस में, केस के लिए उसको एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है, बट ही हैड इग्नोर्ड सो मैनी लेटर्स फ्रॉम द कोर्ट, और इसीलिए लुटकिंस को, सॉरी, इसीलिए वहाँ पर लॉयर को भेजा जाता है लुटकिंस को समन्स डिलीवर करने के लिए। तो अब उसे एक्चुअल में पता था कि ही इज़ रिक्वायर्ड एज ए विटनेस फॉर अ केस, बट ही डिंट वॉन्ट टू गिव हिज टेस्टिमनी, बट वो अपनी गवाही नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने, जब उसको पता चला कि ये जो लॉयर है ऑलिवर लिटकिंस को ढूंढने आया है, तब उसने ये सारा प्लान बनाया होगा लॉयर को फूल बनाने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज, हाउ इज दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट? कैन यू फाइंड अदर सच सटल वेज इन विच लिटकिंस मैनिपुलेट्स द ट्यूर? सर, लिटकिंस ओपनली जो है लॉयर को लेकर घूमता है पूरे विलेज में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी उसके सीक्रेट को आउट नहीं किया? हाउ इज़ दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट, कि उसका सीक्रेट सबने उसका साथ दिया, हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना? सो कैन यू फाइंड अदर सटल वेज इन विच लिटकिंस मैनिपुलेट्स द ट्यूर? क्या हम कोई और रास्ता, कोई और क्लेवर और इनडायरेक्ट जो ट्रिक्स थे जो बिल ने अपनाए थे, जो बिल जो कि नेम्ड एज अ बिल, जो कि ऑलिवर लुटकिंस ही है खुद, तो जो उसने ऐसे वेज, जो क्लेवर एंड सटल वेज, जो इनडायरेक्ट वेज अपनाए, तो जिससे उसने इस टूर को मैनिपुलेट किया, क्या हम वो कुछ ऐसे वेज बता सकते हैं? सो लेट्स सी। अब यहाँ पे एक हिंट भी हमें दिया हुआ है, नोटिस दैट द हैक ड्राइवर आस्क द लॉयर टू कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड हिम व्हेन दे गो इनटू फिट्स। अब यहाँ पे हमें नोटिस करने को ये बोला है कि हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आंसर देते हुए, कि जब फ्रिट्स की शॉप में जाता है बिल, जो कि लिटकिंस खुद है, और जब बिल फ्रिट्स की शॉप में जाता है, तो वो लॉयर को कहता है तुम मेरे पीछे छिप जाना, आउट ऑफ द साइट मतलब छिप जाना कि किसी को पता नहीं चले, और मेरे पीछे छिपे रहना और मैं फ्रिट्स की शॉप में जाता हूँ। सो इसी तरह से उसने सारी जगह पर ऐसा ही किया था, और मे बी वो आइज के साथ कुछ इशारा कर देता हो नेक्स्ट पर्सन को, क्योंकि उसकी तो बैक होती थी जब लॉयर की तरफ। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। वेदर लिटकिंस टेक्स द लॉयर ओपनली ऑल ओवर द विलेज, ही नेवर अलाउज द लॉयर टू रीच द प्लेस वेयर द इमेजिनरी लिटकिंस इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम। अब जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा था कि लिटकिंस वहाँ हो सकता है, फ्रिट्स की शॉप पे, गुस्ताफ की शॉप पे, ग्रे की शॉप पे, देन पूल रूम, और या फिर अपनी मदर के घर में, तो ये इमेजिनरी लिटकिंस था, क्योंकि एक्चुअल लिटकिंस तो बिल था जो कि लॉयर के साथ में ही था। सो वेदर लिटकिंस टेक्स द लॉयर ओपनली, अब चाहे जो लिटकिंस है वो ओपनली सारे विलेज में उस लॉयर को घुमा रहा है अपने साथ साथ, ही नेवर अलाउज द लॉयर टू रीच द प्लेस वेयर द इमेजिनरी लिटकिंस इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम। बट जैसे जैसे वो कहता है कि लिटकिंस फ्रिट्स की शॉप में हो सकता है, या गुस्ताफ की, या फिर ग्रे की शॉप में, वहाँ पर हो सकता है, बट वो, हमें एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है कि वो कभी भी लॉयर को साथ में नहीं लेकर जाता, वो हमेशा उसे बोलता है कि तुम मेरे पीछे छिप जाओ और मैं जाकर पूछता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुछ ना कुछ वो बहाना बना देता है, ऐसा कहता है कि जैसे तुम इतने फैंसी क्लोथ्स में हो तो तुम्हें वो देखकर वैसे ही भाग जाएगा, उसे डाउट हो जाएगा, वो सस्पिशियस हो जाएगा। तो अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि लॉयर ने लिटकिंस को नहीं देखा हुआ, तो
तो वो एक इमेजिनरी लिटकिंस बनाता है और अपने ही दिमाग में, अपनी सोच में, और वैसे वैसा ही उसको लॉयर को भी दिखाता है कि लिटकिंस यहाँ हो सकता है या फिर वहाँ हो सकता है, बट वो उसको उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ वो कहता है कि लिटकिंस उस शॉप पर हो सकता है, वहाँ पर उसे अपने साथ में नहीं लेकर जाता। सो द वे ही वीव्स स्टोरीज अबाउट लिटकिंस वैगाबॉन्ड नेचर एंड द वे ही स्कैर्स द लॉयर अबाउट लिटकिंस मदर आर द वेज ऑफ फूलिंग द लॉयर डिवाइस्ड बाय द हैक ड्राइवर। अब जिस तरह की नेचर वो बताता है लिटकिंस की, लाइक वैगाबॉन्ड नेचर बताता है। वैगाबॉन्ड कौन होते हैं? अ पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही बिना किसी घर और बिना किसी जॉब के घूमते रहते हैं, अवारा पीपल की तरह। सो जिस तरह से वो इस स्टोरी को बुनता है, ही क्रिएट्स द स्टोरी, ही फ्रेम्स द स्टोरी अबाउट लिटकिंस वैगाबॉन्ड नेचर, और जिस तरह से वो उसकी मदर की नेचर को लेकर लॉयर को डरा धमका देता है कि वो इतनी ज़्यादा टेरर लाइक है, कि इतनी दिखने में भी इतनी ऊंची लंबी है, मोटी है और क्विक लाइक अ कैट। तो इस तरह से बहुत सारी जो स्टोरीज क्रिएट कर लेता है लिटकिंस की मदर के बारे में या फिर लिटकिंस की वैगाबॉन्ड नेचर के बारे में। तो ये सारे जो वेज थे वो लॉयर को बेवकूफ़ बनाने के लिए थे, जो किसने डिवाइस किए थे, किसने क्रिएट किए थे? हैक ड्राइवर ने। सो एवरीवेयर ही डजंट अलाउ द लॉयर टू आस्क अबाउट लिटकिंस, बट ही हिमसेल्फ प्रिटेंड्स टू आस्क अबाउट विच द विलेजर्स आर नोइंग इज अ प्रिटेंस। अब जैसा कि वो पहले भी मैंने बताया कि वो कहीं भी किसी भी जगह पर वो लॉयर को नहीं साथ में लेकर जाता, तो वो प्रिटेंड करता है कि वो जिसमें प्रिटेंड करता है कि एक शॉप पर जाकर उसके ऑनर को पूछता है कि क्या लिटकिंस यहाँ पर है, तो मे बी वो आइज के साथ कुछ इशारा कर देता है जिसमें कि विलेजर्स भी उसका साथ देते हैं। विलेजर्स आर नोइंग इज अ प्रिटेंस, विलेजर्स को भी ऐसा पता होता है कि ये एक प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ फीलिंग्स, क्योंकि जब लिटकिंस खुद ही पूछ रहा है कि क्या लिटकिंस यहाँ पर आया, तो ऑब्वियसली कुछ साइन और सिंबल्स उनको दे रहा है, कुछ क्लूज दे रहा है कि मेरे साथ जो पर्सन है उसके सामने ये सच्चाई डिस्क्लोज नहीं करनी है। सो दिस वे सो द विलेजर्स ऑल्सो ज्वाइन इन द होल ड्रामा। तो दिस वे द ऑल द विलेजर्स ज्वाइन इन दिस होल ड्रामा। व्हाट डू यू थिंक लिटकिंस नेबर्स वर एंशियस टू मीट द लॉयर? अब आपको क्या लगता है कि लिटकिंस के जो नेबर्स थे वो क्यों मिलना चाहते थे लॉयर को? सो लेट्स सी। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज हैड एंजॉयड लिटकिंस मेकिंग अ फूल ऑफ द लॉयर। सो ऑलमोस्ट एंटायर विलेज, सारे के सारे विलेज ने ही एंजॉय किया लिटकिंस को, लिटकिंस मेकिंग अ फूल ऑफ द लॉयर। जब लिटकिंस खुद ही उस लॉयर को लेकर घूम रहा था और इमेजिनरी लिटकिंस को ढूंढ रहा था, तो दैट मीन्स वो उसका बेवकूफ़ बना रहा था, उसको फूल बना रहा था, लॉयर को अपने साथ साथ लेकर घूम रहा था लिटकिंस को ही ढूंढने के लिए, तो उसको फूल बना रहा था। और ये सारी चीज़ सारे के सारे विलेज ने देखी थी, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पर गया था लिटकिंस को ढूंढने, तो हर विलेजर ने उसी का साथ दिया था। सो इस तरह से हर पीपल ने, हर एक लोगों ने वहाँ पर इंजॉय किया इस चीज़ को। Only the Litkins neighbors had not seen the lawyer, but came to know only afterwards what actually happened. सिर्फ लिटकिंस के जो नेबर्स थे बस वही रह गए थे, उन्होंने इस लॉयर को नहीं देखा था जिस तरह से लिटकिंस इस लॉयर को अपने साथ साथ लेकर घूम रहा था और उसी को बेवकूफ़ बनाता जा रहा था लिटकिंस को ढूंढते हुए। अब ऐसा हर बंदे ने देखा था, हर पर्सन ने इंजॉय किया इस चीज़ को, और लिटकिंस के नेबर्स जो थे सिर्फ वही रह गए थे, उन्होंने लॉयर को नहीं, वही इस लॉयर को नहीं देख पाए थे कि जो लिटकिंस के साथ साथ जा रहा था बट लिटकिंस को ही ढूंढ रहा था। बट उनको ये सारी स्टोरी बाद में पता चली। सो दे वॉन्टेड टू सी द गिलेबल मैन हु लिटकिंस हैड टेकन फॉर अ राइड। सो गिलेबल कौन होता है? जो ईजिली परसुएड हो जाता है किसी भी बात पर, बहुत ही ईजिली किसी भी बात को मान लेता है। So they wanted to see the gullible man. तो वो उस पर्सन को, उस gullible पर्सन को देखना चाहते थे जो easily believe कर रहा था who Litkins had taken for a ride, जिसको Litkins ride पर लेके गया था पूरे village की। That's why the neighbors of Litkins wanted to meet him. So यही reason था कि neighbors of Litkins इसको मिलना चाहते थे। So after his first day's experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to New Million to practice law.
डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसिडर दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकेंड विजिट? अब जैसा कि पहले दिन का जो एक्सपीरियंस रहा लॉयर का लिटकिंस के साथ, नॉट लिटकिंस रादर बिल के साथ, जो हैक ड्राइवर था उसके साथ जो उसका एक्सपीरियंस रहा लॉयर का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था उसके लिए। एंड उस एक्सपीरियंस को लेकर जैसे कि हमने देखा कि वापस जाते हुए भी पूरी ट्रेन जर्नी में वो अपना सिर्फ लिटकिंस के बारे में ना सोचकर सिर्फ हैक ड्राइवर के बारे में ही सोच रहा था, और उसे ही वॉज नॉट लिटल बिट वरीड अबाउट कि वो लिटकिंस को नहीं ढूंढ पाया, उसे इस चीज़ की कोई वरी नहीं थी। ही वॉज जस्ट बिजी इन थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नसन द हैक ड्राइवर। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और उसने सोच रखा था कि उसके दिमाग में ये सोच आ रही थी कि वो अपना लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए इस सिंपल से विलेज में न्यू मिलियन में आ जाएगा और वहाँ पर अपना ऑफिस सेटअप करेगा। सो नाउ डू यू थिंक ही वुड हैव रिकन्सिडर्ड दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकेंड विजिट? बट नेक्स्ट डे जब वो आया, उसकी सेकेंड विजिट हुई उसी जगह पर, न्यू मिलियन नाम की जगह पर, तो क्या आपको लगता है कि उसने इसी आइडिया को रिकन्सिडर किया होगा, दोबारा से सोचा होगा इस आइडिया के बारे में कि वो वहाँ पर आएगा और वहाँ अपने लॉ का सेटअप करेगा, अपने ऑफिस सेटअप करेगा और वहाँ पर अपनी लॉ की प्रैक्टिस करेगा? डू यू थिंक? सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द लॉयर रियलाइज्ड ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट दैट ही हैड बीन फूल्ड बाय द हैक ड्राइवर हु हिमसेल्फ वॉज लिटकिंस। अब सेकेंड विजिट में उसको ये डिस्क्लोज हो जाता है, ही कम्स टू रियलाइज, उसको रियलाइज होता है कि जो उस हैक ड्राइवर था, जो लिटकिंस जिसके बारे में वो इतनी अच्छी सोच रख रहा था, हैक ड्राइवर खुद ही लिटकिंस था और उसने उसको पूरा दिन बेवकूफ बनाया। सो इन दिस लिटकिंस वॉज हैक्ड बाय द टाउन्स पीपल ऑल्सो। तो इस सारे ड्रामा में, इस सारी चीज़ में लिटकिंस को फेवर किया उसके सारे विलेजर्स ने भी, सारे विलेजर्स, टाउन के पीपल जो भी लोग थे जिन जिन के पास भी लिटकिंस किया था बिल मैग्नसन बन के, तो उन सब ने भी उसी का साथ दिया, उन सब ने भी लॉयर को बेवकूफ़ बनाया। आफ्टर बिकमिंग द लाफिंग स्टॉक ऑफ द टाउन, It is most likely that the lawyer would have reconsidered this initial idea of working there. So, after becoming the laughing stock of town, तो अब जब हर एक के लिए ये एक हंसी का पात्र बन गया था, हंसी का कैरेक्टर बन गया था, क्योंकि हर पर्सन उस लॉयर को देखकर हंस रहा था, so it is most likely that the lawyer would have reconsidered his initial idea of working there. तो ये श्योर है कि उसने इस आइडिया के बारे में दोबारा कंसीडर किया होगा डेफिनेटली। अब उसका आंसर क्या होगा कि वो वहाँ पर कभी भी अपनी लॉ प्रैक्टिस करने नहीं आएगा। ही मस्ट हैव रिकन्सिडर्ड दिस आइडिया। ऐसा नहीं कि जो उसने पहले दिन सोच लिया था वो ही कंटिन्यू रहेगी उसकी सोच, रादर ही वुड हैव रिकन्सिडर्ड हिज इनिशियल आइडिया। इनिशियल मीन्स जो स्टार्टिंग आइडिया उसने डेवलप कर लिया था उसके बारे में उसने डेफिनेटली दोबारा सोचा होगा, और डेफिनेटली उसका आंसर क्या होगा? नो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डू यू थिंक द लॉयर वॉज ग्युलेबल एंड हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? अब क्या आपको लगता है कि जो लॉयर है वो ग्युलेबल था, बहुत इजीली विश्वास कर रहा था हर किसी पर, एंड हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड, और किस तरह से वो इस राइड को जो बिल मैग्नसन के साथ उसने ली, जो बिल मैग्नसन उसको सारे विलेज में घुमा रहा था अपनी कार्ट में लेकर, तो किस तरह से वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता था? यस द लॉयर वॉज गुलेबल। यस ऑफ कोर्स वो गुलेबल था, ये तो डायरेक्टली पता चल ही रहा है, क्योंकि वो उसने हर उस बात पर विश्वास किया जो भी लिटकिंस हैं, जो भी बिल मैग्नसन ने लिटकिंस के बारे में जो स्टोरी क्रिएट करके इस लॉयर को बताई, तो उसने इजीली सब स्टोरी को एडमिट कर लिया, एग्री कर लिया हर एक चीज़ के साथ। सो द लॉयर सीम्ड टू बी अ सिंपलटन एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो इस तरह से जो लॉयर था वो बहुत ही सिंपलटन होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल पर्सन, जो लॉजिकल सोच नहीं रखता, रादर जो किसी ने कुछ कह दिया उस पर विश्वास कर लिया। तो बहुत ही सिंपल सा पर्सन लग रहा है इस तरह से लॉयर, और बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड सा पर्सन लग रहा है, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं वो एक चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस पर विश्वास करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था इस लॉयर की नेचर में। ही इज़ शोन एज अ ग्युलेबल पर्सन। ही बिलीव्ड एवरी वर्ड दैट ऑलिवर लिटकिंस डिस्गाइज्ड एज अ हैक ड्राइवर सेड। उसने हर उस बात पर विश्वास किया जो ऑलिवर लिटकिंस, जो कि हैक ड्राइवर के रूप में था,
हेड ड्राइवर के रूप में, जैसे उसने अपना भेष चेंज किया हुआ था, लाइक अपना नेम चेंज किया हुआ था, डिस्गाइज एज हैक ड्राइवर, जो कि हैक ड्राइवर बना हुआ था, जो खुद एक खुद ही ओलिवर लिटकिंस था, उसने उसके हर वर्ड पर, हर बात पर उसने लॉयर ने विश्वास किया. ही कुड हैव आस्क्ड अबाउट लिटकिंस फ्रॉम अदर विलेजर्स ऑल्सो. अब किस तरह से वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता था बीइंग टेकन फॉर अ राइड, जैसे वो ओलिवर लिटकिंस खुद ही उसको सारी जगह घुमा रहा था, इस चीज़ को वो किस तरह से अवॉइड कर सकता था. रादर उसको चाहिए था कि ही कुड हैव आस्क्ड अबाउट लिटकिंस फ्रॉम अदर विलेजर्स ऑल्सो. उसको ये चाहिए था कि वो एक ही पर्सन पर विश्वास ना करके 5-7-10 लोगों से और भी पूछे, अलग अलग विलेजेस को अलग अलग जगह पर जाकर लिटकिंस के बारे में पूछे, और उसको ये सारी बात जो वो समन्स डिलीवर करने आया है, ये चीज़ उनको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी. ओनली देन ही वुड बी एबल टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. एंड इंस्टेड ही डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन द हैक ड्राइवर. और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो पूरी तरह से हैक ड्राइवर पर ही डिपेंड किया. रादर ही शुड गो फ्रॉम वन टू अदर विलेजर एंड सेपरेटली, स्पेशली सेपरेटली, दो पर्सन्स को इकट्ठा नहीं, रादर अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग जाकर उसको लिटकिंस के बारे में पूछना चाहिए था, और रादर उसको ही अपनी कुछ स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए थी रियलिटी बताने की बजाय. उसको रियल नहीं बताना चाहिए था कि वो ओलिवर लिटकिंस को समन सर्व करने आया है. रादर ही शुड डेवलप और क्रिएट सम अदर स्टोरी. ऐसा कह सकता था कि वो मेरा दोस्त है, मुझे उसको मिलना है, एंड सो ऑन. तो इस तरह से कोई भी कहानियाँ बनाकर वो लिटकिंस को ढूंढ सकता था. So next question is that, do we come across persons like Lutkins only in the fiction, or do we encounter them in real life as well? You can give examples from the fiction or narrate an incident that you have read in newspaper or an incident from the real life. So the persons, अब हमें यहाँ पूछा गया है कि क्या ऐसे persons जो Lutkins की तरह हैं, क्या वो सिर्फ फिक्शंस में, स्टोरीज में ही, या फिर इमेजिनरी कैरेक्टर ही होते हैं, या फिर रियल लाइफ में भी ऐसे इंसान होते हैं जो किसी को धोखा दे देते हैं, खुद ही वो पर्सन होकर अपनी ही रियलिटी नहीं बताते, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते और दूसरे पर्सन को धोखा दे देते हैं. सो हम यहाँ पर किसी भी फिक्शन की एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी इंसिडेंट को नरेट कर सकते हैं, जैसा मानो आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, जैसा कि यहाँ पर लिटकिंस ने लॉयर के साथ किया, एंड कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है, या फिर कोई भी इंसिडेंट हमारी रियल लाइफ को बिलोंग करता हो, तो हम वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उनमें से कोई एक. सो आंसर इज देयर, पर्सन्स लाइक लिटकिंस आर फाउंड इन रियल लाइफ एज वेल. अब लिटकिंस जैसे इंसान सिर्फ स्टोरीज में ही नहीं, रादर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं. दे डू नॉट जस्ट अपीयर इन स्टोरीज, दे आर वेरी मच रियल. और वो एक्चुअल में ये रियल पर्सन्स ही होते हैं, क्योंकि जो स्टोरीज भी क्रिएट होती हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्चुअल पोजीशन को लेकर ही, एक्चुअल लाइफ की जो स्टोरीज होती हैं उन्हीं को लेकर ये जो स्टोरीज फिक्शन में कन्वर्ट होती हैं. सो द न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ सच ट्रिक्सटर्स. अगर हम न्यूज़पेपर खोलकर देखें तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक करने वाले जो लोग हैं, ट्रिक्सचर्स जो होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स से ये पूरा न्यूज़पेपर भरा रहता है कि कभी किसी ने किसी को ऐसे धोखा दिया और वैसे धोखा दिया, एंड सो ऑन. दिस फेमस कॉन मैन इन डेविड कॉपरफील्ड, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. अब एक नावल है डेविड कॉपरफील्ड, जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है. वहाँ पर उसमें एक ऐसा ही पर्सन है जो कि कॉनमैन. कॉनमैन क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस में लेके किसी को ट्रिक करना, एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे पर्सन को ट्रिक करता है, लाइक लिटकिंस. सो कॉनमैन, ऐसा ही एक कॉनमैन है डेविड कॉपरफील्ड नाम के एक नावल में, जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है. सो हिज नेम इज़ उरिया ही, जो उसका नेम है जिस कॉनमैन का, इस कॉन्फिडेंस ट्रिक्सचर पर्सन का जो नेम है वो है उरिया ही. And he traps a gullible rich old man. अब इस स्टोरी में क्या होता है, जो उरिया हीप है वो एक gullible rich old man को, एक बहुत ही अमीर बूढ़े पर्सन को, जो कि gullible होता है, gullible means जो इजिली विश्वास कर लेता है लोगों की बातों पर, उसको अपने जाल में फंसा लेता है. The old man depends on him entirely. और जो बूढ़ा आदमी होता है, जो rich person, वो इस उरिया हीप पे ही पूरी तरह से विश्वास करता है, जैसा कि हैक ड्राइवर पे लॉयर ने किया. एंड ही टेक्स एडवांटेज ऑफ हिज ट्रस्ट एंड टेक्स ऑल हिज मनी. अब ये जो उरिया हीप है वो इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है, उसके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाता है, और उसका सारी की सारी मनी जो है वो
हड़प लेता है, सारी की सारी मनी ले लेता है उस ओल्ड मैन की जो कि बहुत ज़्यादा रिच होता है। एंड ही मेक्स द ओल्ड मैन एन एडिक्ट टू अल्कोहल, और क्या करता है वो उसको अल्कोहल एडिक्ट बना देता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी शुरू कर देता है और बिना ड्रिंक के रह नहीं पाता। एंड देन ही फोर्सेज द ओल्ड मैन टू मैरी हिज डॉटर। अब ये जो उरिया हीप है पहले तो उसका सारा पैसा लेता है, उसके बाद उसको एडिक्शन करवा देता है अल्कोहल की, और उसके बाद उसको अपनी बेटी के साथ शादी करने के लिए भी फोर्स करता है। अब वो इसका ये सारी की सारी चीज़ क्यों हुई, क्योंकि वो जो पर्सन था वो बहुत ही ग्यूलिबल नेचर का था, इजीली विश्वास कर लेता था। सो वी ऑल्सो गेट मोरल फ्रॉम दिस थिंग कि हमें इजीली किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो धोखा ही होता है। रादर जो अब की जो हमारी जो लाइफ है और जो हमारी सराउंडिंग्स है वो ऐसी हैं कि हमें बहुत ही सोच समझकर केयरफुली ऑब्जर्व करके किसी पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें कुछ कहा और हम उस पर ईजिली फेथ कर लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज़ अ कॉन मैन और अ कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर। जैसा कि अभी मैंने डिस्क्राइब किया कि कॉन मैन और कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर कौन होते हैं। सो लेट्स सी, अ कॉन मैन और अ कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर इज अ पर्सन हु मेक्स अ फूल आउट ऑफ अदर पीपल, जो लोगों को धोखा देते हैं। सो कॉन मैन और अ कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर वो इंसान होते हैं जो दूसरे पर्सन को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, अपने पूरा विश्वास दिला देते हैं कि हम सही पर्सन हैं और हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो बहुत ही अच्छी, बहुत एक्चुअल होगी, रियल होगी। कुछ ऐसी बातें उनके साथ करते हैं कि वो नेक्स्ट पर्सन जो है उन पे विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाता है। सो बट वो ये जो पर्सन जो कॉन मैन होते हैं वो दूसरे पर्सन को धोखा देते हैं अपनी बातों में उलझाकर। ही विंस देयर ट्रस्ट फर्स्ट एंड देन ही गेट्स फ्रॉम देम व्हाटएवर ही वांट्स। अब ऐसा जो पर्सन होता है कॉन्फिडेंस फिक्स्चर, वो पहले तो दूसरे पर्सन को अपने विश्वास में लेता है, पहले वही एक्चुअल चीज़ें करेगा जिससे नेक्स्ट पर्सन को उस पर विश्वास हो जाए, और उसके बाद क्या करता है वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही गेट्स फ्रॉम दैम। जैसा कि उरिया हीप के बारे में हमने पढ़ा डेविड कॉपरफील्ड नाम के नावल में जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, उसमें वो पूरा का पूरा मनी ले लेता है ओल्ड रिच मैन की, उसको पहले अपने विश्वास में ले लेता है, फिर उससे पूरा पैसा ले लेता है, फिर उसको अल्कोहल एडिक्ट करके अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवाता है। तो सेम वे इसी तरह से जो कॉन्फिडेंस फिक्स्चर होते हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे लोगों को धोखा देते हैं और जो भी वो चाहते हैं अपना मोटिव जो है वो क्लियर करते हैं। सो विद दिस आर क्वेश्चन आंसर्स हैव कम टू एन एंड। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।